हेलो स्टूडेंट, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आरके रमन एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं थायरिस्टर सेक्शन के एक और लेक्चर पर। देखिए विद्यार्थियों, अगर हम लोग देखेंगे तो इसलिए कराना पड़ रहा है कि यूपीपीएसएल में सवाल पूछे गए, चाहे बाय डायरेक्शनल की बात आए चाहे यूनि डायरेक्शनल की बात आए। तो नेक्स्ट हमारा है, देखिए पीयूटी, ये क्या है? हमारी थायरिस्टर का परिवार है। अब ये देखिए, थायरिस्टर के बारे में दो लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने देखे हैं, तो यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग पीयूटी। तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी, इसकी फुल फॉर्म रहेगी प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब इसमें इनके सिंबल, गेट कहां पर है, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो देखिए, जब इसी को बनाते हैं, ये जितनी चीजें लिखवा रहा हूं इनको ध्यान से देख लीजिएगा। जब यहां हम लोग इनको बनाएंगे तो देखिए, ये पी है, यहां पर एन है, ये पी है और ये एन है। यहाँ पर यही तीन जंक्शन देखने को मिलते हैं, J1, J2, J3। यही तीन टर्मिनल मिलेंगे, एक एनोड मिलेगा, एक कैथोड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहाँ जो गेट है, गेट को हम P पर ना लेकर गेट को हम लोग लगाते हैं, देखिए N पर। कहाँ? ऊपर वाले N पर हम लोग गेट को लगाते हैं, राइट जी। तो नॉर्मल, अब यहां से सवाल यह भी पूछा जाएगा, देखिए अभी देखेंगे हम लोग। तो गेट कहां पर कनेक्ट होता है? लेयर एन पर कनेक्ट होता है। तो इसके लिए जब हम लोग सिंबल पर चलेंगे, देखिए इसके लिए जब हम लोग सिंबल पर चलेंगे, जितनी चीजें करवा रहा हूं प्लीज इनको ध्यान से देख लीजिएगा। ये होगा कैथोड, ये होगा यहां पर एनोड, राइट? तो इसमें आपको यहां ये साइड पर आपको गेट बनाना होगा, ये बन जाएगा देखिए गेट। तो ये इसके लिए सिंबल है, पीयूटी का सिंबल देखिए ये बनेगा। अगर पीयूटी के लिए देखिए हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो करेक्टरिस्टिक्स यहां पर होंगी। देखिए अब हमें ये अल्टीमेटली ये क्या करना है, हम लोगों को ऑफ करना था, ये हमें रिवर्स बायस है, इसको फॉरवर्ड बायस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक निगेटिव पल्स अब कनेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, निगेटिव पल्स। तो एन पर अगर निगेटिव पल्स कनेक्ट होगी तो ये लेयर हमारी देखिए फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगी। इतनी गहराई में खैर हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ पर, ना ही आप लोगों का कोई मतलब बनता है। तो ये एनोड से कैथोड, और यहाँ हम देखेंगे एनोड करंट आई है। तो इसके लिए जो विशेषता है, जैसे थायरिस्टर सेम वैसे बनेगा, राइट? ये क्या हो गया देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ये क्या बना, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, राइट जी। और ये बन रहा है देखिए फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। कल हमने देखा था कंडक्शन मोड, यानी कि जिसमें करंट बह रहा है। अगर रिवर्स की बात करेंगे, एनोड से कैथोड एक बैटरी लगा देंगे, तो ये करेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेगी। ये तो प्रोग्रामेबल यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर, ये तीनों चीज आपके पेपर के लिए बड़ी खास बनेगी। किस तरह का सवाल, नॉर्मल थायरिस्टर में पी लेयर पर गेट होता है, यहाँ प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में अपर एन लेयर पर यहाँ पर गेट कनेक्ट किया गया है, राइट? यहाँ पर गेट कनेक्ट किया गया है। तो अब यहाँ गेट पर किस तरह की पल्स आप लगाएंगे, देखिए मैं दिखा दूँ, गेट पर आप ये पल्स कनेक्ट करेंगे, यानी कि अगर एन पर आप निगेटिव पल्स देंगे तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, राइट? तो बस इसको आप दिमाग में रखिएगा। देखिए जो प्रोग्रामेबल लॉजिक ट्रांजिस्टर होता है, तो एक लाइन मैं लिखाना चाहूंगा, यह है लॉजिक डिले, यह है लॉजिक डिले में यूज होता है। डिले मतलब कि कुछ समय डिले कर रहा है, लेट कर रहा है, यूज होता है प्रोग्रामेबल यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर। ये तीनों चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये डायग्राम, ये सिंबल और ये विशेषता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग एस यू एस पर, सिलिकॉन एस यू एस देखेंगे, एस यू एस। तो फुल फॉर्म इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बनेगी, ये सभी थायरिस्टर की फैमिली है, एस यू एस।
silicon unilateral switch, right? SUS. तो देखेंगे ये फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच, सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच. तो ये यहां पर आपको मिलेगा SUS, सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच, राइट जी, सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच. तो देखिए अब इसके लिए जब हम लोग देखेंगे सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच, तो इसमें ये बनेगा चार लेयर ही देखने को मिलेंगी, चार लेयर देखने को मिलेगी, पी एन पी और एन. ये क्या होगा? कैथोड. ये क्या बनेगा? देखिए एनोड, राइट जी. यहां पर भी जब आप देखेंगे जो गेट होगा ये यही होगा, लेकिन यहां कैथोड से एक डायोड लगा होगा, यहां कैथोड से एक डायोड, देखिए इस प्रकार से ये कनेक्ट किया जाएगा. ये भी हमारा यूनिडायरेक्शनल ही है. अगर हम इसकी बात करेंगे तो एक ही दिशा में काम करेगा, ये भी एक ही दिशा में कार्य करेगा, एक ही दिशा में कार्य करेगा. इसको हम क्या कहेंगे? यूनिडायरेक्शनल. क्या जानते हैं? यूनिडायरेक्शनल. इसे क्या कहेंगे? यूनिडायरेक्शनल. ये भी हमारा एक ही दिशा में काम करेगा, एक ही दिशा में. देखो यूनिलेटरल है, यूनी जंक्शन यूनिलेटरल. तो आपको याद रखने का तरीका, यूनी आया तो मतलब यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में कार्य करेगा. ये भी एक ही दिशा में कार्य करेगा, यानी कि यूनी डायरेक्शनल ही होगा, राइट जी. क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल ही बनेगा. एनोड कैथोड गेट और डायोड, ये भी हमारा यूनिडायरेक्शनल ही बनेगा. तो इसके लिए जब हम सिंबल की बात करेंगे, देखिए कुछ जगह पर आपको ये दिया जाएगा एनोड कैथोड, तो या तो ये दिया जाएगा देखिए गेट, या फिर आपको सिंबल दिया जाएगा, देखिए क्या आपको सिंबल दिया जाएगा, कैथोड एनोड गेट और डायोड, राइट जी. आपको ये सिंबल दिया जाएगा. अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, देखिए जी करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स यहां भी आपको देखने को मिलेगी वी ए के, यहां आपको बस ये करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी, यानी कि एक ही दिशा में काम करेगा. ये भी हमारा एक यूनिडायरेक्शनल ही होगा, एक ही दिशा में काम करेगा. यानी कि जैसे हमने थायरिस्टर के लिए देखा है, इसी को देखिए यहां से रिलेट करिए, तभी मैंने थायरिस्टर में इतना समय आपको दिया है. एनोड से कैथोड जब हम एक पॉजिटिव बैटरी देते हैं तो हम यहां पर एक निगेटिव सप्लाई को जोड़ देते हैं, हम यहां निगेटिव सप्लाई जोड़ देते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, राइट जी. जब हम सप्लाई को बदलते हैं, यानी कि यहाँ इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, तो हम लोग को एक अल्टरनेटिव रास्ता ये मिल जाता है, देखिए डायोड वाला, राइट जी. तो ये करैक्टरिस्टिक्स हम लोगों को ये दिख जाएगी, ये करैक्टरिस्टिक्स आपके पेपर में पूछी जा सकती है, ये सिंबल पूछा जा सकता है, ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और यहाँ पर ये चित्र भी पूछा जा सकता है कि बताइए क्या दर्शाता है, राइट विद्यार्थियों. चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट. यानी कि गेट का यहां पर भी जो रोल है ये सिर्फ ऑन करना है, गेट का कार्य बस इसे ऑन करना है, ऑन करना है. यहां पर भी गेट का जो कार्य है, गेट का कार्य
बस इसे ऑन करना है। जैसे हमने ये जाना है कि थायरिस्टर में भी गेट का जो कार्य है वो उसको ऑन करना मात्र है, ऑफ करना नहीं है। तो गेट का रोल क्या है, इसको ऑन करना है, ऑफ करने से नहीं है। तो गेट की मदद से ये ऑन हो सकता है, ऑफ नहीं हो सकता। जैसे हमारा नॉर्मल थायरिस्टर होता है, इसी प्रकार हमारा ये दोनों भी होते हैं, राइट जी। तो ऑफ करने के लिए जरूरी क्या है, ऑफ करने के लिए जरूरी क्या है, कल लिखवा चुका आपको कि होल्डिंग करंट को, यानी कि कंडक्शन करंट को या एनोड करंट को होल्डिंग करंट से कम ले आइए तो ये ऑफ स्टेट में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, SCS, इसे कहेंगे सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, SCS। तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच की जब हम बात करते हैं, जब भी हम लोग सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच की बात करेंगे, तो ये दिमाग में रखिएगा कि है ये भी यूनिलैटरल, यह भी एक ही दिशा में, यह भी एक ही दिशा में कार्य करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह भी एक ही दिशा में कार्य करता है। देखिए जी, विद्यार्थियों से बनाएंगे हम लोग, यानी कहने का मतलब अभी भी यही है कि यूनिलैटरल ही है। ये हमने कहा P, ये N, ये P और ये N। तो ये हमने कहा कैथोड, ये हमने कहा एनोड। तो याद रखिएगा, इसमें हम दो गेट इस्तेमाल करते हैं, यहां पर हम दो गेट इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होगा, देखो एनोड, एक गेट हमारा यहां होता है जिसे हम लोग कहते हैं AG, यानी कि एनोड के पास में है एनोड गेट, जिसे दूसरा गेट हमारा यहां होता है जिसे हम कहते हैं कैथोड गेट। ओके जी, जिसे हम कहते हैं कैथोड गेट। तो SCS में देखिए आपको देखने को मिला है, यह भी एक ही दिशा में काम करेगा, कोई अलग अलग नहीं है भाई, दिशा एक में ही काम करेगा। दूसरा देखें, इसमें दो गेट इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें दो गेट इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें दो गेट इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट जी। इसमें कितने गेट इस्तेमाल करेंगे, दो गेट, एक हमारा ये और ये। फिर देखते हैं, इसमें कैथोड गेट पर, या इसमें कैथोड गेट SCS को ऑन करने का कार्य करता है, करने का कार्य करता है, तथा AG ऑफ करने का कार्य करता है, ऑफ करने का कार्य करता है। क्या कहेंगे, देखिए इसमें ये हमारा ऑन करने का काम करेगा, ये ऑफ करने का काम करेगा। तो कैथोड गेट पर याद रखेंगे, देखिए KG पर धनात्मक सप्लाई देने पर, धनात्मक सप्लाई देने पर SCS ऑन हो जाता है, तथा AG पर याद रखेंगे ऋणात्मक सप्लाई देने पर यह ऑफ
हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो ये है, इस पर देखें हम लोग किस तरह की सप्लाई देंगे। अगर इस पर हम लोग ये पॉजिटिव सप्लाई देते हैं ये, तो ये ऑन होता है ऑन के लिए, और इस पर अगर हम लोग देखें ये निगेटिव, तो ये ऑफ होता है। राइट जी, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया, अब इसके लिए जरूरी है इसका सिंबल क्या बनाएंगे, किसके लिए, एस सी एस के लिए। तो एस सी एस के लिए ये एनोड है, ये गेट है, और ये एक गेट है। इसका नाम हमने क्या दिया है, ए जी। इसका नाम हमने क्या दिया है, देखिए, तो इसमें दो गेट बने होते हैं। राइट जी, एस सी एस में दो गेट बने होते हैं। और यहां पर चलेंगे, अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल भी अलग नहीं, आपको यही देखने को मिलेगा। तो ये हो जाती है कहानी विद्यार्थियों एस सी एस के लिए। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा कि एस सी एस का देखिए मतलब क्या था। राइट ना, तो ये हो गया हमारा प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, एस यू एस और एस सी एस। राइट जी, चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट देखते हैं, और यहां से अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आजकल एक बात और बता दूं, पीडीएफ वगैरह के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर जा रहे हैं, तो पीडीएफ तक बनाने का टाइम नहीं लग रहा है। आपका कोर्स निपटाने का दबाव है, प्रेशर है, कंटेंट को छोड़ नहीं सकते, कराना सब कुछ है। और ये भी बता दूं आप लोगों को विद्यार्थियों, कि लोग बाग कह रहे हैं कि 100 वीडियोस में टेक्निकल पूरा कर देंगे। मैंने तो 150 क्लास इसमें ऑलरेडी ले लिया, और बहुत सारी चीज़ें अभी करना भी है। राइट ना, तो आपको कम से कम इसमें मैं 250-300 वीडियो मैं दे दूंगा। इसमें इतनी सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी कि आपने अगर ढंग से ये कर लिया, तो चाहे यूपीपीसीएल की बात करें या किसी भी एग्ज़ाम की बात करेंगे, आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मेरा टारगेट ये रहता है कि जो भी कोर्स हो उसमें कंटेंट बहुत दमदार डाला जाए, ताकि बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। राइट जी, तो ये हमने पीयूटी पढ़ लिया, एसयूएस पढ़ लिया, और एससीएस भी फाइनल कर लिया, ख़त्म कर लिया। चलिए विद्यार्थियों आगे चलते हैं। चलिए यहां से आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो यहां से आगे हम लोग चलेंगे एल ए एस सी आर पर, एल ए एस सी आर। तो ये नॉर्मल एक थायरिस्टर ही है, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं लाइट एक्टिवेटेड एस सी आर। इसे हम क्या कहेंगे, लाइट एक्टिवेटेड एस सी आर, यानी कि ये प्रकाश के कारण ऑन स्टेट में जाएगा। राइट, यूनिडायरेक्शनली है। और फिर हम बात करेंगे, देखिए, डायक, फिर हम लोग बात करेंगे डायक। तो देखिए जी, नेक्स्ट से हमारा एल ए एस सी आर, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एक्टिवेटिव सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, एल ए एस सी आर। देखिए जी, इसकी कहानी क्या है, इसमें आप लोगों को ध्यान ये देना है कि एनोड और कैथोड, चलिए इसी से काम चल जाएगा। ये एनोड बनाया हमने, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये देखिए गेट। तो ये ऑन स्टेट में तब आएगा, देखिए, जब इस पर हम लोग कुछ प्रकाश डालते हैं। तो यानी कि ये लाइट के कारण ऑन स्टेट में लाए हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया लाइट एक्टिवेटेड एस सी आर। तो यहाँ अगर इसके लिए करेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे, तो ये हमारी एनोड से कैथोड जो वोल्टेज है, ये कंडक्शन करंट एनोड करंट है, तो ये हमें देखने को मिलेगी सेम ऐसे जो अभी तक पढ़ा है। ये इसके लिए देखिए सिंबल हो जाता है। राइट बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, हम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है,
बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। द नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डायक, DIAC। देखिए जी, जो डायक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा यहाँ से। इसमें लिखेंगे यह एक बायडायरेक्शनल थायरिस्टर होता है। यह बायडायरेक्शनल थायरिस्टर होता है। यह एक बायडायरेक्शनल थायरिस्टर होता है। यह एक बायडायरेक्शनल थायरिस्टर होता है। इसका मतलब यह दोनों दिशाओं में, इसका मतलब यह दोनों दिशाओं में कार्य कर सकता है। दोनों दिशाओं में कार्य कर सकता है। और दिमाग में ये रखना है कि इसमें गेट नहीं होता। ये भी पॉइंट लिखेंगे, इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है। ये भी चीज को अपने दिमाग में रखना है। तो दो टर्मिनल हम लोग लेकर चलते हैं यहां पर, एनोड और कैथोड। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो पेपर में आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत छोटी छोटी चीजें देखने को मिल जाएगी। बैठ जी, तो ये हमने यहां पर ले लिया, देखिए एनोड ये लिया हमने, कैथोड। ये देखिए P N P N, फिर यहां से P N P और N, राइट जी, PN PN। तो यहां दो चीजें आपको देखने को मिलेगी कि ये ऐसे भी काम करेगा और ये यहां से देखिए ऐसे भी काम करेगा। तो ये बायडायरेक्शनल की कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए अगर मैं सिंबल पर चलूंगा तो हमें सिंबल देना होगा कि बाबा ये दोनों ही तरफ देखे काम करेगा। तो ये दोनों तरफ को ही देखे काम करेगा। ये हमने एनोड, कैथोड और गेट लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। यानी कि ये एनोड से कैथोड और कैथोड से एनोड दोनों तरफ देखे काम करेगा, राइट जी। तो चलो PN 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 P, और ये मैंने डैश मांग दिया। तो यहां जो एक लेयर आपको दिखी है, ये लेयर जो देखे आपको दिखी है, ये मैंने एक कंसीडर करना है। ये कुछ लेयर्स देखे आपको ये दिखी है, ये आपको अलग से कंसीडर करना है। यानी कि जब ये इस तरफ होगा तो ऐसे ये काम करेंगे, और जब इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा तो ये काम करेगा। तो जब हम करैक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो देखिए एक तरफ तो हमें ये देखने को मिल जाएगा। मान लिया जब ये पॉजिटिव होगा ये होगा, तो यानी कि ये हमारा काम कर रहा है PN P और N से। एक तरफ हमें ये देखने को मिल जाएगा, ये काम किया है हमारा PN P और N ने। तो ये दोनों तरफ काम आएगा। देखिए जी, फिर से एक बार बता दूं बच्चों आपको कि यह एक बायडायरेक्शनल थायरिस्टर होता है। इसका मतलब यह दोनों दिशाओं में कार्य कर सकता है। इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है। ये डायग्राम, ये देखिए इसका सिंबल हो जाएगा, और ये इसके लिए देखिए करैक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, राइट है। तो आसान रहा, देखिए LASR
तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लाइट के कारण ये करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, डायोड ये चीज इंपॉर्टेंट है, बायडायरेक्शनल है, एनोड कैथोड और ये करेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट जी। चलिए नेक्स्ट होता है देखिए ट्रायक, TRIAC, ट्रायक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायक की जब हम बात करते हैं तो ट्रायक भी हम लिखते हैं कि यह भी बाई डायरेक्शनल होता है, यह भी बाई डायरेक्शनल होता है, यह दोनों डायरेक्शन में या दोनों दिशाओं में कार्य कर सकता है, दोनों दिशाओं में कार्य कर सकता है। तो ये बहुत बार पूछा जाएगा कि बताइए बायडायरेक्शनल कौन सा है, यूनिडायरेक्शनल कौन सा है, बहुत बार। तो ट्रायक को जब हम देखते हैं, देखिए इसमें गेट बना होता है, इसमें गेट बना होता है, राइट जी। तो ये हो गया देखिए एनोड, ये हो गया कैथोड और ये यहां पर देखिए गेट। तो एनोड कैथोड ना लेकर यहां लिए जाते हैं MT1 MT2, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2। तो इसके लिए भी जो करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, ये करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलती है ये और ये। तो यहां आपको MT1 पॉजिटिव मिलेगा, चलो MT2 और MT1 यहां, ये कब है जब MT2 आपने धनात्मक या पॉजिटिव रखा, और ये तब देखने को मिलेगी आपको करेक्टरिस्टिक्स जब आपने MT1 को धनात्मक रखा है, जब आपने MT1 को धनात्मक रखा है, राइट जी। तो ये भी यहां पर एक छोटा सा सेक्शन बन जाता है किसके लिए, ट्राइक के लिए। तो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछेगा। तो यहां से अगर मैं इंपॉर्टेंट देखूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे देखिए क्या चीजें, मैं कहूंगा कि डायक और ट्रायक, TRIAC, डायक और ट्रायक बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर होते हैं, बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर होते हैं, डायक और ट्रायक हमारे बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए LSR, डायक और ट्रायक ये हम लोगों ने यहां देखा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक और फैमिली में एक और डिवाइस यहां पर बनता है जिसे हम कहते हैं GTO, जिसे हम कहते हैं GTO, जिसे हम कहते हैं GTO। देखिए बेटा नेक्स्ट है GTO, जिसे हम कहते हैं गेट टर्न ऑफ, गेट टर्न ऑफ, देखिए गेट टर्न ऑफ, GTO गेट टर्न ऑफ, यह गेट पर धनात्मक वोल्टेज देने पर ऑन हो जाता है तथा ऋणात्मक वोल्टेज देने पर ऑफ
हो जाता है क्योंकि क्योंकि यह गेट से भी क्योंकि यह गेट से ऑफ हो जाता है इसीलिए इसे गेट टर्न ऑफ डिवाइस कहा जाता है इसे गेट टर्न ऑफ डिवाइस कहा जाता है राइट जी। चलिए देखिए बनाते हैं इसे। तो ये गेट पर पॉजिटिव पल्स देने से ऑन हो जाएगा ये हो गया देखिए पी एन पी एन और पी तो यहां पी पर देखिए एनोड है ये पूरी लेयर आपकी बन जाएगी एन राइट जी ये बन जाएगी एन ये बन रहा है देखिए पी तो यहां पर एन को हम ऐसे दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं अलग अलग से तो पी एन पी एन पी और एन राइट जी। तो देखिए यहां हम लोग क्या कनेक्ट रखते हैं पी पर गेट कनेक्ट रखते हैं पी एन पी एन यहां पर आप लोग देखिए कैथोड कनेक्ट कर देते हैं राइट जी। तो ये डायग्राम देकर आपको ये भी पूछ सकता है अगर पेपर मुश्किल बन गया तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या दर्शाता है आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए ये क्या दर्शाता है तो पी एन पी एन ये याद रखिएगा। तो इसका सिंबल जो आएगा इसका सिंबल हमें देखने को मिलेगा देखिए ये एनोड है ये कैथोड है। तो यहां गेट पर आप दो तरह की सप्लाई देते हो दो तरह की सप्लाई दे रहे हो तो यहां से आपको देखिए सिंबल देखने को मिल सकता है कि जाएगा भी और आएगा भी राइट जी। या फिर आसान वे में कई बार ये ऐसा भी दे सकता है में कट तो ये गेट है ये एनोड और ये कैथोड मतलब करंट जाने के लिए भी यहां और करंट इसका विपरीत यानी कि आने के लिए भी क्योंकि निगेटिव पल्स भी देना है। तो ये होता है देखिए जे टी ओ गेट टर्न ऑफ डिवाइस काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यू जे टी जिसे हम कहते हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसे हम कहते हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर राइट जी। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यह जनरली थायरिस्टर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता है इस्तेमाल होता है। कई बार ऑन करने को हम लोग फायरिंग भी कहते हैं कई बार ऑन करने को हम लोग फायरिंग भी कहते हैं। तो ये कुछ बना होता है इस प्रकार देखिए
ये कुछ इस प्रकार बना होता है। ई का मतलब यहाँ पर एमीटर भी है और कई बार आप इसे एटा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया बी वन, ये हो गया देखें यहाँ बी टू, ये हो गया आर बी टू, ये हो गया आर बी वन। तो इम्पोर्टेंट क्या है, थायरिस्टर को फायर करने का काम भी करता है, यानी कि ऑन करने का काम भी करता है। तो जब हम लोग देखते हैं, देखिए इसका अगर हम इसके सिंबल की बात करते हैं तो इसका सिंबल बड़ा ही नॉर्मल सा कुछ ये बनेगा। ये बी वन है, ये बी टू है, ये इसका देखिए सिंबल होगा, राइट जी। ये क्या है देखिए, यू जे टी, ये आपका यहां पर सिंबल बनेगा, ये यहां पर इसका डायग्राम होता है। चलिए तो इसको आप दिमाग में रखिएगा, इतनी चीजों को, यू जे टी के बारे में, जे टी यू के बारे में। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं दे रहा हूँ, इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ थोड़ा सा भी, राइट। चलिए थैंक यू वेरी मच विद्यार्थी एंड ऑल द वेरी बेस्ट।